इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड को हम कर देंगे नेगेटिव, इस इलेक्ट्रोड को हम कर देंगे पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, राइट। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है ये पहुंच जाएगा यहां पर, और ये जो नेगेटिव है ये यूं होता हुआ पहुंचेगा यहां पर, यानी कि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रयोग में आप ये देखोगे कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड से इमिट होते हैं और इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं इमिटर और इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कलेक्टर। अब फ्रेंड्स, वैसे तो क्या है कि जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जिस कारण से इस माइक्रो एमिटर में करंट की वैल्यू जीरो रहेगी। कब रहेगी, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब यह है कि इस सरफेस ने कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं किया है, और इसका मतलब यह है कि इस सरफेस के आसपास कोई भी लाइट सोर्स नहीं है। जैसे ही आप इस लाइट सोर्स को ऑन करोगे तो इसके कारण जो फोटोन उत्पन्न होंगे, इस फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे तब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। अब आपको पता है कि करंट होती है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि यदि मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, राइट, और इस सरफेस का एरिया मान लेते हैं ए है। अब मान लेते हैं कि किसी डेल्टा टी समय में, मान लें किसी डेल्टा टी समय में इस सरफेस से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होता है। क्या है, इस डेल्टा टी समय में यदि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होता है तो इस सरफेस से फ्लो होने वाली करंट हो जाएगी आई इजिकल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, राइट। तो इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचेंगे, ऑब्वियसली बात है जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं वो, अब मान लेते हैं ये को अपना सरफेस है, अब जितने इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को पार करते हुए इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे उतनी करंट होगी, राइट। क्योंकि जो करंट है वो डेल्टा क्यू पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, डेल्टा क्यू पे। अब डेल्टा क्यू क्या चीज है, चार्ज, और चार्ज किस पर डिपेंड करता है, एन पे। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि आपको पता है जो डेल्टा क्यू होता है ना वो चार्ज होता है। एक्चुअली क्या है कि इसमें दो चीजें होती है, एक तो नंबर ऑफ चार्ज और दूसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, ई। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है ई, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है तो डेल्टा क्यू हो जाएगा एन ई। तो जो आप देख सकते हो कि जो चार्ज है वो एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो होगी, राइट। यदि इस मान लेते हैं जैसे कि ये जो एरिया है आप ये ऐसे कह लो, बोले इसको उठाके आप ये कह रहे कि इस इलेक्ट्रोड पर जितने ज्यादा चार्ज आएंगे उतनी ही करंट इस इलेक्ट्रोन इस सर्किट में फ्लो होगी। इसको आप इस तरह आसानी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे उतनी ही मात्रा में करंट इस सर्किट में फ्लो होगी, राइट। यदि यहां पर कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं तो इस सर्किट में कम करंट फ्लो होगी, यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहे हैं तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट फ्लो होगी, राइट। कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो कम करंट फ्लो होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो इस सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होगी। ये तो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब देखो उसका हम क्या करेंगे, उस पर हम कह रहे करेंगे क्या कि वी और आई के बीच में ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, वी और आई के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो इस ग्राफ को खींचने के लिए हम अलग अलग वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग करंट को मेजर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग अलग वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग करंट को मेजर कर लेंगे। अब वोल्टेज को, वोल्टेज चेंज कैसे करेंगे, वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस से चेंज करेंगे, राइट।
तो रिओस्टेटिक सेटर से वोल्टेज को आप चेंज करते जाओगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी करंट आएगा आई, और उसके बाद में वोल्टेज और करंट के बीच में आप ग्राफ खींचोगे, राइट। जो आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ खींचने के बाद में किस तरीके से सर्किट बिहेव करता है उसके बारे में आपको पता लगेगा, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा और इसमें जो करंट और वी में जो रिलेशन आता है वो किस तरीके से आता है, अलग अलग पॉइंट पर करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, वो सब चीजें चलो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को रखेंगे नेगेटिव और इस इलेक्ट्रोड को रखेंगे हम, सबसे पहले हम ये करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस लाइट सोर्स से एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और एक फिक्स इंटेंसिटी की लाइट इमिट करवाएंगे, फिक्स इंटेंसिटी और फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट इस सोर्स से हम इमिट करवाएंगे। अब जैसे ही ये लाइट इस इलेक्ट्रोड पर गिरेगी तो गिरने के साथ ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो उसेन बोल्ट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे जिनकी स्पीड जीरो होगी, लगभग जीरो होगी, राइट। मैंने आपको चीज बताई थी पहले। अब जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो तो यहां से यहां तक इजिली पहुंच जाएंगे, राइट। लेकिन जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाते, और ये देखा जाता है कि जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या काफी कम होती है और जो शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या भी काफी कम होती है, लेकिन जो मॉडरेट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी न तो ज्यादा कम है न ही बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ठीक ठाक होती है, राइट। यानी मेजोरिटी में वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। समझे इस चीज को आप, कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो बहुत कम होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी लगभग जीरो वो भी बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी के बीच में आती है उनकी संख्या ठीक ठाक होती है, काफी अच्छी मात्रा में होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक, जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फोटोन प्राप्त होता है, इंसिडेंट होता है, तो मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोड से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं कि इन 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, राइट, इनकी एनर्जी, और उनमें से आप ये मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन में से भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, और इसकी एनर्जी मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन थोड़ी कम है, जो सबसे यानी कि जो सबसे मैक्सिमम जो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उससे थोड़ी सी कम है, राइट। तो ये अपने मान लेते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जब वोल्टेज जीरो होती है, राइट, जब दोनों इन इलेक्ट्रोड्स पर जब वोल्टेज जीरो होती है, जीरो वोल्टेज होने के बावजूद भी अपनी स्वयं की एनर्जी के द्वारा ही यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं, राइट। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होता है और करंट की वैल्यू माइक्रोएम्पियर में होती है, राइट। तो जब वोल्टेज जीरो है तो भी करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, इसलिए जीरो वोल्टेज में भी आपको कुछ करंट मिलता है। अब जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की वोल्टेज को बढ़ाते हो तो क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव है और ये हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इस, क्योंकि पहले तो वोल्टेज जीरो थी, अब आपने क्या किया वोल्टेज को बढ़ा दिया, यानी आपने इसकी पॉजिटिवनेस को बढ़ा दिया। अब चूंकि यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू ज्यादा है, आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण पहले केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन अपने स्वयं की एनर्जी के द्वारा यहां से यहां तक पहुंच रहे थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। अब देखो 2 पहले पहुंच रहे थे और अब 2 इस अट्रैक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां से यहां तक पहुंचना शुरू हो गए, इसलिए क्या होगा कि यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ जाती है, राइट। लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इतनी ज्यादा कम है
कि यहाँ पर आपने पॉजिटिव बढ़ा भी दिया, यानी इस वोल्टेज इस इलेक्ट्रोड पर आपने जो पॉजिटिव वोल्टेज उसको बढ़ा भी दिया, उसके बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बहुत कमजोर हैं वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो आपने क्या किया उन इलेक्ट्रॉन्स को भी इस इलेक्ट्रोड की तरफ खींचने के लिए इस इलेक्ट्रोड की पॉजिटिवनेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने वोल्टेज बढ़ा दी, तो जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज बढ़ा दोगे तो जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहां से यहां तक पहले नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी पहुंच जाएंगे। क्यों? इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। तो अब जो है दो और दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहे हैं, तो जब छह इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे तब इस परिपथ में इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। अब आपने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब जो सबसे जो ठीक ठाक के इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी अब इसकी तुलना में कम थी, राइट, यानी जो इस वोल्टेज पर यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाते थे वोल्टेज बढ़ाने के बाद में वो भी यहां से यहां तक पहुंच गए। अब कितना हो गया? दो दो चार और अब दो और दो चार, दो और दो चार दो छह, तो दो दो चार दो छह दो आठ, अब आठ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो सर्किट में करंट पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपने क्या किया कि देखो अब आपने क्या किया कि वोल्टेज को इसे कोरस्पॉन्डिंग वन टू आपने क्या किया दो दो चार दो छह, आप देखो फ्रेंड्स ये इसको लिख लेता हूं, ये एक दो तीन और चार, इस तरीके से अगर करेंगे ना तो थोड़ा पॉइंट मैच कर जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने क्या किया इन सबको नोट कर दिया, वन टू थ्री फोर कर दिया। अब क्या है कि जो चार नंबर की वोल्टेज पर जो इलेक्ट्रॉन आपको देख रहे हैं अभी भी सारे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे हैं, केवल चार इलेक्ट्रॉन पर, चार नंबर की वोल्टेज पर आठ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब आपने क्या किया कि वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा दिया, राइट। और जब आप वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज्यादा कमजोर है, राइट, जिनके अंदर से लगभग जीरो के इक्वल है, वो भी इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण यानी इस इलेक्ट्रोड के अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। तो जब वोल्टेज पांच नंबर पर होती है उसके बाद में दस के दस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं, राइट। इसके बाद में यदि आप वोल्टेज बढ़ा भी दोगे, क्योंकि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंच रहे हैं, इसलिए यदि आप वोल्टेज बढ़ा भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे अभी 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो अब यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 से ज्यादा नहीं है, इसलिए वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद भी करंट नहीं बढ़ेगा और करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से यदि आप वोल्टेज को बढ़ाते रहो तो भी करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और इस करंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट, यानी कि जब करंट कांस्टेंट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फोटो करंट सेचुरेशन। फोटो करंट सेचुरेशन। अब क्या है कि आप देख सकते हो कि जीरो वोल्ट पे भी करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, राइट, करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि इस करंट को जीरो करने के लिए आपको सबसे जो तेज गति के इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है उनको रोकना पड़ेगा, राइट। तो अपने क्या करेंगे कि कुछ सोचेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन कैसे रोका जाए। यदि आप इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर दो और इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दो तो क्या हो जाएगा? यदि इस इलेक्ट्रोड को दिया पर नेगेटिव कर दो, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दो तो क्या हो जाएगा? तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट, और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो अपने क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हटा लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव था यहां से होता हुआ यहां पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये जो नेगेटिव था वो यहां से होता हुआ यहां पर पहुंच गया, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि जब करंट की वैल्यू जीरो, यानी जब वोल्टेज जीरो होती है उस केस में करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, तो अब अपने क्या करते हैं कि वोल्टेज
को नेगेटिव कर लेते हैं, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज नेगेटिव हो चुकी है, राइट। और अपने वोल्टमीटर जो है ना उसकी पिन भी एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको बोल लेते हैं अपने माइनस, इसको बोलते हैं अपने प्लस, राइट। आपको ये तो पता ही होगा कि जो वोल्टमीटर है उसमें एक रेड पिन होती है, एक ब्लैक पिन होती है, राइट। तो अब आपने क्या किया, जो रेड पिन है उसको जोड़ दिया आपने यहां से, और जो ब्लैक पिन है उसको जोड़ दिया आपने यहां पर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो वोल्टेज है वो आपको अब मेजर हो जाएगी, राइट। ये वोल्टेज जो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां पर जो एनोड है हमारा वो नेगेटिव है, राइट। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको पता है कि जीरो वोल्ट पर केवल दो ही इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जो इतनी ताकत रखते थे कि जीरो वोल्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोड तक पहुंच सकते थे। अब उनका देखो क्या होगा कि जब नेगेटिव वोल्टेज आप लगाते हो, राइट, अब मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम का है, राइट, सबसे मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से कुछ कम है। अब क्या होगा, जब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को बढ़ाओगे, राइट, तो अब इन दोनों इस नेगेटिव के कारण, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स के कारण ये रिपल्सिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक मूव करने से रोकेगा, राइट। और ठीक इसी प्रकार से ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये जो पॉजिटिवनेस है, राइट, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये इन दोनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपने अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से ये तो ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धकेल रहा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है अब यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर वोल्टेज वैसा नहीं होगा। तो आपने क्या किया, ये स्थिति करके आपने इस वोल्टेज को बढ़ाया। जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की वोल्टेज को बढ़ाते हो तो एक वोल्टेज ऐसी आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी अपेक्षाकृत कम है ये इस रिपल्सिव फोर्स के कारण यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाता, राइट, और बीच में ही कहीं रुक जाता है, और उसके बाद में वापिस से इस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के कारण अब कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इतनी ताकत रखता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से यहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि अब इसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन के रुकने के कारण केवल ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचता है, इसलिए यहां पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी हो चुकी है, इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी आपको कम मिलेगी, इसलिए करंट कम हो जाती है। अब आप देखोगे तो 0.8 नंबर पर, 8 नंबर की वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू आपको कुछ कम प्राप्त होती है। अब अपने क्या करते हैं, अपने वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाते हैं, इस प्लेट की नेगेटिवनेस को और ज्यादा बढ़ाते हैं। जब आप इस प्लेट की नेगेटिवनेस को बढ़ाते हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इसका मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब इस इलेक्ट्रॉन पर ऑपोजिट फोर्स जितना पहले लग रहा था उसकी तुलना में बढ़ जाता है। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज्यादा हो जाए, राइट, या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स इतना ज्यादा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच ही ना सके, तो उस केस में इस इलेक्ट्रोड पर कोई इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इस रिपल्सिव फोर्स के कारण यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाता, राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा? कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की वो वोल्टेज जिसके कारण फोटो करंट की वैल्यू जीरो आ जाए, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और या फिर इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसको बोलते हैं हमें स्टॉपिंग वोल्टेज, राइट। एक बार वापिस से मैं इसको बता दूं कि जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच वोल्टेज इतनी ज्यादा हो जाए कि जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो जब यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाता तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, I is equals to zero होगा, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज। और इस प्रकार से यदि आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है
उसके बारे में सब चीजें आपको बताई। मैंने आपको यह भी बताया कि वी और आई में स्टेरियोग्राफ क्यों आता है और इससे अतिरिक्त जो भी फैक्ट्स थे मैंने आपको इस लेक्चर में स्पष्ट किए।